आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ये एक नया टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। जितना पढ़ाएंगे वो तुम्हारे 11th और 12th दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के करना है। पिछला जो भी चैप्टर था हमारा नोमेनक्लेचर वाला, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, साथ साथ में आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी सीख के आना होगा फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। तो अगर वो दो चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो ये पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ऐसे ही पढ़ाएंगे जो कि एवरेज बच्चों को भी समझ में आए, जो नहीं पढ़ के आए हैं उसको भी थोड़ा बहुत हिंट देते हुए चलेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? एक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बन रहा है। वाह वाह, बहुत नया बात बता दी, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं? सुना होगा तुम लोगों ने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक कंपाउंड, है ना? नाम सुना है ना सबका? ओके, तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड कब? एक कंपाउंड सैचुरेटेड होता है जब उसमें सिंगल बॉन्ड हो, है ना। सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड टूटने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत हीट करोगे या बहुत मेहनत करोगे उसमें तो ही जाके सिंगल बॉन्ड टूटेगा, तो दैट वन बिकम सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड में लिख लो सिंगल बॉन्ड होगा या फिर जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कौन सा होगा बताओ? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में फाइव बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाइव बॉन्ड। और एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं बताओ तो? जो अभी पढ़ के आए बेंजीन, बेंजीन रिंग वाले जो भी कंपाउंड्स आ जाएंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। यानी कि हमको ये तीन ही चीज के बारे में पढ़ना है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक में बेंजीन, राइट? ओके, तो स्टार्ट विथ सैचुरेटेड। पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लगाओ, हेडिंग लगाओ सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड में हमको स्टार्ट किससे करना है बोलो? कौन सा कंपाउंड रहेगा? एल्कीन वाला। एल्कीन के सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे इसमें, है ना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, दिस विल बिकम द जनरल फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से n की जगह पे 1 लगाओगे तो C1H4, ठीक है, C2H4+2 6, C3H8, C4H10। नोमेनक्लेचर में नाम बताओ ये क्या क्या था? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कहानी ये नहीं है, कहानी इससे बहुत ज्यादा है, है ना। तो इतना सब तो पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सारे कंपाउंड्स को हम जनरली डिनोट करते हैं एज अ होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसको? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस मतलब समझ में आ रहा होगा तुमको, सेम। होमो मतलब सेम, सेम काइंड का सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज है दिस केम फ्रॉम द सेम फैमिली, है ना,
सेम फैमिली से क्या मतलब आता है? देखो इसमें अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो CH2 का डिफरेंस इन दोनों में है, फिर इन दोनों में देखो अगेन CH2 का डिफरेंस है ना, फिर इन दोनों में देखो अगेन CH2 का डिफरेंस है, मतलब एक ही डिफरेंस कंटिन्यूअस आ रहा है ना। तो ये एक तरह का सीरीज है जिसमें कि कंटिन्यूअस सेम डिफरेंस दिख रहा है, दैट बिकम होमोलोगस सीरीज। एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं लोग, राइट? होमोलोगस सीरीज का मतलब समझ में आया? अगर किसी को इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर कुछ लिखना है तो लिखो कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, है ना। क्या क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा बताओ, कैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है? स्ट्रक्चर में एक कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज विद द इंक्रीज विथ अ कंटिन्यूअस चेंज, है ना, इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगा? स्ट्रक्चर जो है वो एक कंटिन्यूअस चेंज में जा रहा है पर्टिकुलर मैनर में, राइट? और क्या होगा? जनरल प्रिपरेशन जो होगा एल्केन का वो सेम होगा। तो ये पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, दिस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहां पे लिख देते हैं कि जनरल इसका प्रिपरेशन जो होगा, जनरल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? जनरल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? बनाते कैसे हैं एल्कीन को, बनाने का तरीका। एल्कीन में तो मीथेन भी आता है, इथेन भी आता है, प्रोपेन भी आता है, ब्यूटेन भी आता है, पेंटेन भी आता है, तो सबको बनाने का एक तरीका होगा ना। तो जनरल प्रिपरेशन मतलब जनरली हम एल्कीन को किस तरह से बनाते हैं, जनरल प्रिपरेशन जो होगा वो भी सेम होगा फॉर एवरी एल्कीन ग्रुप। ठीक है, एल्केन में जितने भी कंपाउंड होंगे उनका जनरल प्रिपरेशन भी सेम होगा। अगर ये तीनों चीज फॉलो कर रहा है, मतलब होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, समझ आ रहा है? रोशन, क्लियर? तो इतना नोट करो, आगे बताते हैं। अभी आ रहा है, इससे भी ज्यादा समझने वाला है, बिल्कुल है। चलो इसको बिठा दे। तो अभी एल्केन के बारे में ही समझ रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, मगर टॉपिक एल्केन में ही चल रहा है। तो एल्केन में हमने क्या देखा, एल्केन जो होता है वो एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक कंटिन्यूअस चेंज एक पैटर्न में इंक्रीज कर रहा होगा, और जनरल प्रिपरेशन भी सेम। अच्छा, पिछले क्लास में कुछ पढ़ के आए होंगे तुम लोग आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो आइसोमेरिज्म में डीप में नहीं जा रहे, उसके लिए अलग क्लास है ना। तो आइसोमेरिज्म में क्या क्या था? एक चेन आइसोमेरिज्म होता है, एक पोजीशन होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल। ये नया है और इसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। चेन और पोजीशन अभी तक समझ लो काफी है, कंफर्मेशन बाद में बताएंगे, ठीक है? तो चेन होता है, पोजीशन होता है और कंफर्मेशनल होता है। क्या मीथेन कोई आइसोमेरिज्म दिखाता है? नहीं। क्या इथेन कोई आइसोमेरिज्म दिखाता है? नहीं। कौन दिखाता, कौन है, कहां से स्टार्ट होता है आइसोमेरिज्म? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बताओ कहां से स्टार्ट होता है आइसोमेरिज्म?
प्रोपेन प्रोपेन से बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। ठीक है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन कोई आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। जो भी चीजें ना ये स्किप मार रहे हैं थोड़ा सा, आइसोमेरिज्म में पढ़ लेना। ठीक है, तो ब्यूटीन से आइसोमेरिज्म शुरू होता है। तो ब्यूटीन का चेन हमारा कैसा होता है, ऐसे 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 चार। ठीक है, और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा आइसोमेरिज्म है ये, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है, तो चेन में चेंजेस आई हैं, तो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये हुआ थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में कहानी। एक चीज और लिख लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। ये पैराफिन्स है क्या? पैराफिन्स मतलब होता है लो एफिनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लो एफिनिटी? बहुत ही कम इच्छावादी। ठीक है, इसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। क्यों इच्छाएं खत्म हो चुकी है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हो गया है, है ना। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही मजबूत बॉन्ड होता है, वो किसी से रिएक्ट करने को जाना ही नहीं चाहता है, तो लो एफिनिटी। समझ आ रहा है क्यों लो एफिनिटी है और क्यों पैराफिन्स बोल रहे हैं इसको? तो एल्केन आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स, लो एफिनिटी, लेस रिएक्टिव। पर इसका रीजन अगर कोई पूछे तो रीजन भी तुम लोग लिख लेना, क्यों है, सिंगल बॉन्ड है, है ना। और क्या है, और कार्बन, कार्बन का जो चेन होता है इसमें पोलर बॉन्ड्स है ना। तो दिस आर ऑल आर रीजन। फर्स्ट रीजन इज सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वन इज कार्बन कार्बन के बीच में पोलर बॉन्ड। तो ये सारे चीजें तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो लेस रिएक्ट करना ही नहीं चाहता है। तो जो लोग रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं उनको हम पैराफिन्स बोल देते हैं, राइट। इतना नोट कर लो, रब कर देते हैं। अब जो ये सारी कहानी थी ये बेकार की स्टोरी थी, चैप्टर शुरू होगा अब। ठीक है, मतलब ये बेकार नहीं था, बस जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। और चैप्टर अब शुरू होगा जिसमें हम जनरल प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो हेडिंग करो जनरल प्रिपरेशन ऑफ, किसका कर रहे हैं, एल्केन का, जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो पहला इसमें मेथड है हमारे पास, जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो बहुत सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो किसको लेंगे, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन से प्रिपरेशन हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार समझ लो इसको, समझ आ गया तो फिर आगे एग्जांपल्स करा लेंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, इथीन,
इथीन, ठीक है। तो एल्कीन, एल्कीन में हम क्या करेंगे कि मेरा ये आना चाहिए, है ना, तो वो सिंगल बॉन्ड हो गया, अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो जाएगा, है ना। तो इसमें करना है हम लोगों को, ओके, तो हम लोगों को क्या करना है यहां पे, एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो एक हाइड्रोजन हमको यहां लगाना है, एक हाइड्रोजन हमको यहां लगाना है, तो H2 चाहिए हमको, तो H2 का एडिशन करेंगे तो CH3 and CH3, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, क्या है ये, इथाइन, इथाइन, इथाइन मतलब एल्काइन, तो एक इथीन से प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक इथाइन से प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा कि CH3 एंड CH3 आ जाए, तो फिर से एडिशन रिएक्शन, है ना, हाइड्रोजन को ही ऐड करना है ना, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसमें भी कर लो, H2 का एडिशन करना है, ठीक है। अब देखो, दो बार H ऐड होगा तो यहां पे क्या होगा, CH2 बनेगा, और दो हाइड्रोजन की जरूरत है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे टू लगा लो, तो दो बार तो हो गया CH3, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये प्रोसेस जो है, इसमें एक मिडिल प्रोसेस होता है। मिडिल प्रोसेस में क्या लिखोगे, पहले तो H2 का एडिशन करोगे तो क्या होगा, CH2, फिर और एक बार H2 का एडिशन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, CH3, यही होगा मेरा लास्ट में एल्केन बन गया, राइट। तो ये अगर कोई बोले यहां पे स्टेप रुकता है क्या, नो, इतना फास्ट होता है ना कि ये मिडिल स्टेप को रोक नहीं सकते, कब तक, कब रोक सकेंगे और कब नहीं रोक सकेंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या, कैटलिस्ट। ये रिएक्शन सिंपली यहां से यहां नहीं जाएगा या यहां से यहां नहीं जाएगा जब तक कि एक कैटलिस्ट को ऐड नहीं करे। तो यहां पे कौन से कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है, यहां पे ऐड किया जाता है निकल, प्लैटिनियम एंड पीडी, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। निकल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है और इसका जो टेम्परेचर है, ये दोनों का रूम टेम्परेचर पे ही काम चल जाता है, और इसके लिए, निकल के लिए तुमको हाई टेम्परेचर चाहिए तब ये रिएक्शन होगा, बाकी पीटी एंड पीडी के लिए तुमको रूम टेम्परेचर में ही काम चल जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, कोई भी कैटलिस्ट लगा और रिएक्शन वही होना है, क्लियर, क्लियर। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हो कैसे रहा है, कैटलिस्ट के द्वारा, तो इसको बोलेंगे कैटलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, क्लियर, क्या बोल रहे हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का, यहां पे लगा लो प्लैटिनियम लगा लो या फिर निकल लगा लो या पीडी लगा लो, तुम्हारी मर्जी। अगर निकल लगाओगे तो टेम्परेचर बहुत हाई करोगे, प्लैटिनियम और पीडी लगाओगे तो टेम्परेचर हाई करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। यहां पे भी तुम लोग कैटलिस्ट जरूर लिखोगे, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, क्लियर, इतना नोट कर लो। हमने कहा कि इथाइन से हम लोग इथीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इथेन में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, तो मैंने बोला ये रिएक्शन खट्टा से हो जाता है, तुम यहाँ पे नहीं रोक सकते। अगर इसको रोकना है, बाय चांस भी रोकना है, तो मुझे कैटेलिस्ट को पॉइजनस करना होगा। ठीक है, तो कैटेलिस्ट को पॉइजनस करने का मतलब कैटेलिस्ट को खराब करना होगा। अगर खराब हो जाए कैटेलिस्ट, तब जाके यहाँ पे रुक सकता है रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यूस चला जाएगा। यहाँ पे रोकने वाले रिएक्शन को भी और एक कुछ बोलते हैं, वो दूसरे चैप्टर में जब आएगा तब समझाएंगे। ठीक है, हो गया, रब कर ले। चल इस पे थोड़ा सा और देखा जाए रिएक्शंस वगैरह। तो कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन समझ में आया? कैटेलिस्ट के द्वारा होने वाला हाइड्रोजिनेशन इज अ कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, राइट। चल नेक्स्ट एक है। अच्छा एक चीज भूल गए लिखाना, इसको लिख लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। यहां से कन्वर्ट करके हम लोगों ने H2 को देख के मान लो निकल का लिया है एज अ कैटेलिस्ट, तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा मुझे, तो मेरा बनता है क्या CH3N CH3। ये वाले रिएक्शन के नीचे लिख लो इसको, जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम क्या है, सेबर्टियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, सेबर्टियर एंड सेंडर्स रिएक्शन। अब सेबर्टियर रिएक्शन लिख के नहीं आ जाना क्योंकि सेबर्टियर रिएक्शन इज अनदर रिएक्शन, तो सेबर्टियर एंड सेंडर्स रिएक्शन ही लिख के आना। और क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन जस्ट सिंपली। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं बना के दिखाओ तो मुझे। ठीक है, मैंने दो बार दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, चलो लिख के दिखाओ तो जल्दी जल्दी, रोशन बताएगा आंसर। बताओ बेटा, फर्स्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है, किसी को डाउट? पक्का? सेकंड बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कितना बचा वाला क्वेश्चन दिए थे, है ना। चलो अब थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन देते हैं, मिटा दे। चलो थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में आता है फाइंड आउट द रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रहा है उसका रेट क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज ए में क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, आर इज फॉर कार्बन, पता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। इसमें लगा हुआ है H2 और निकल एज अ कैटलिस्ट और यहाँ पे बन गया RCH3CH3। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, R इज ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है, फिर से कैटलिस्ट लगा हुआ है H2NI।
ठीक है, और यहाँ पे बन गया आर सी एच टू सी एच टू और आर, ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, और सी में दिया हुआ है बी ए इज इक्वल टू बी। दिमाग लगाओ, सोचो क्या होगा आंसर, सोचो सोचो क्या होगा आंसर। देखो बच्चों के दिमाग में जो आता है वो मैं बता देती हूँ। मुझे सी एच टू डबल बॉन्ड अपने लगा है, कहाँ पे डबल बॉन्ड नीचे वाला ऊपर वाला सी एच थ्री उसके नीचे वाला ये वाला। मैंने 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 एकदम लास्ट वाला रिएक्शन लिख दिया, एकदम लास्ट में जो प्रोडक्ट में बनेगा, बीच का रिएक्शन नहीं लिखा क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बीच में रुकता ही नहीं है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो उधर थ्री होना चाहिए ना एच। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। तो मेरे को गड़बड़ करा रही हो ना, आर में उसका एक हाथ तो फिर है तो दो ही बचा ना। हाँ दो तीन चार, तो दो तीन चार ऊपर वाले में है, बोलो सही बोलो आप, ठीक है। चलो अब बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, जो आता है वो मैं बता देती हूँ। यहां से एक स्टेप में ये चला जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ, दो स्टेप लगे, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, सेकेंड वाला है ना, सुना तो क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, है ना। यहां से एक स्टेप लगे, यहां से दो स्टेप लगे, फर्स्ट क्यू अगर सेकेंड क्यू और फर्स्ट क्यू, रीजन भी बताना है ना, विदाउट रीजन तो नहीं चलता है, रीजन मेंशन करना चाहिए। मैंने तो रीजन दिया, ये इसमें तो एक स्टेप लगता है, इसमें तो दो स्टेप लगता है, दो स्टेप को होने में ज्यादा टाइम लगेंगे, एक स्टेप को होने में कम टाइम लगेंगे, तो मेरे हिसाब से तो सेकंड आंसर होना चाहिए। अगर सोनिया बोल रही है फर्स्ट तो बताओ क्यों, क्योंकि हम पहले वाला गलत करते हैं, है ना, तो दिस विल बिकम द रॉन्ग आंसर, है ना, रॉन्ग है। अब क्यों, क्यों का रीजन है कि आंसर में लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे कि एल्काइल का हमेशा ग्रेटर होगा एल्कीन से, क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं यार, एल्कीन से, क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर तुमको किसी ने पढ़ा है केमिस्ट्री शुरू में तो शायद स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, ठीक है, पढ़ा है ना सुनील, बताओ इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन एंड एसपी हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और इसमें क्या है, इसमें है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर, ये ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है लीनियर और इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर किसी को स्ट्रक्चर याद होगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये है लीनियर। लीनियर बोलता है आप भाई दोनों तरफ से लग जाओ, कोई भी लगना है कैसे भी लगना है लगो, और इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके हाइड्रोजन का हाइड्रोजिनेशन होगा, है ना। तो अगर सिंपली लगना हाइड्रोजन का और तोड़ के लगना हाइड्रोजन का तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स इसमें, ठीक है, दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट। समझ आया क्यों बी करेक्ट है, अच्छा सॉरी, हम क्या कर रहे हैं आज, बी इज
ए इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट. किसका फोन आ रहा है? ठीक है, ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट. ए में क्या था? ए इज एल्कीन, एल्कीन और ये एल्काइन. ठीक है, बी बी इज करेक्ट. समझ आया? एल्काइन जल्दी से रिएक्शन करेगा क्योंकि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा. राइट, क्लियर? नोट कर लो. बी करेक्ट है. यस. अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक और चीज बोलते हैं जिसको नाम सुना होगा तुमने, स्टैटिक हिंड्रेंस. स्टैटिक हिंड्रेंस, ठीक है. स्टैटिक हिंड्रेंस मतलब होता है, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट. रुकावट किसमें? रुकावट कोई स्ट्रक्चरली कोई रुकावट आ रहा है तो स्टैटिक हिंड्रेंस. और इसमें लिख सकते हो इसका सरफेस एरिया जो है इज मोर. ठीक है, तो रीजन में बहुत सारे रीजन हो गए. एक तो स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, सरफेस एरिया मोर है उसका. स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन और स्टैटिक हिंड्रेंस भी है तो एल्कीन में रिएक्शन होना इजी नहीं है, एल्काइन में रिएक्शन होना इजी है. अच्छा, अब लॉजिकली अगर तुम लोग को पिछला क्लास याद होगा आईयूपीएससी वाला, तो हम इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको ज्यादा देते थे? डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देते थे. समझ आ रहा है क्यों देते थे? है ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखिए. नेक्स्ट डे मिलते हैं.